सामान बरामद हुए हैं और क्या इनका अपराधी का इतिहास रहा है? ये गिरोह 5 लोगों का है, जिसमें विनीत यादव इसका मुखिया है और ये गैंग लीडर है। और हमारी गंगा पार की ये सोजी टीम फूलपुर और बहरिया के थाना प्रभारी और उनकी टीम ने मिलकर के इसका अनावरण किया है। इन लोगों ने 4 चोरियां जो करी हुई थी उसका 100% माल बरामद हुआ है। और इसमें मोटरसाइकिल चोरी से लेकर के होजरी की दुकानों से पूरा सामान A to Z चोरी करना, कई मोबाइल की दुकानों में भी चोरी करना, सारे माल 4 मुकदमों के बरामद हुए हैं। और जिससे साबित हो गया कि इनने एक कोहराम मचा रखा था चोरी का, और चोरी की घटना का अनावरण एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना होता है पुलिस के लिए कि इतना अच्छे ढंग से उसको खोलना और 100% माल की बरामदगी करना। इस पर DIG महोदय ने प्रसन्न होकर के इनको जो है उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार भी देने को बोला है। ये किस तरीके से इस तरह चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और कितने की रिकवरी हुई है, अनुमानित कीमत क्या है इसकी? ये चूँकि रैकी कर लेते थे दुकानों की और उसके बाद उसमें से जो सामान वगैरह है उसको चेन काट करके उसमें पूरा सामान साफ करना, शटर तोड़ना, उसको निकालना। और A to Z इन्होंने, आपने देखा होगा कि अभी जो मैंने एक सूची पढ़ी जिसमें साड़ी और पैंट जीन्स और जैकेट सब ले करके करीब 1.5-2 लाख का सामान, जिसमें अंडर गारमेंट्स आदि भी छोटी मोटी चीजें, ये 5 लाख रुपए लिखा है उसमें। नहीं, एक की मैं बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ आप 4 चोरियों का पूरा माल है तो आप समझ लीजिए करीब 5-6 लाख का माल इन्होंने जो है चुराया था और उसको अपने घरों से बेचना भी चालू कर दिया था। इसीलिए जो हमारी पुलिस टीम जो वहां पे काम कर रही थी उनको सूत्रों के माध्यम से मिला कि एक व्यक्ति लगता है चोरी का सामान बेच रहा है। इन्होंने उसकी जब विवेचना करी तो पता चला कि इसने तो कई दुकानों में चोरी कर रखा था और पूछताछ से 4 घटनाओं का अनावरण हुआ और 100% माल बरामद हुआ इसका। ठीक सर, थैंक यू।